This is what happened 1 month back due to heavy rain. Then I started researching. मुझे फुल बॉक्स या कैनोपी तो लेनी नहीं थी, मुझे कंफर्म था कि मुझे कैरी बॉय का रोलर लीड ही लेना है। फिर FB पे मुझे 5 रेफरेंस मिले जो कि कैरी बॉय रोलर लीड इंडिया में सेल करते हैं। किसी का नाम स्पेशली मेंशन नहीं करूंगा, पर मुझे दिल्ली में कोट मिला 1,10,000 प्लस ट्रांसपोर्टेशन, हैदराबाद में कॉस्ट मिला 1,25,000 प्लस ट्रांसपोर्टेशन, मुंबई में कॉस्ट मिला 1,25,000 प्लस ट्रांसपोर्टेशन, अहमदाबाद में रेट मिला 1,15,000 प्लस ट्रांसपोर्टेशन, बैंगलोर में रेट मिला 1,20,000 प्लस ट्रांसपोर्टेशन। फिर मैंने और रिसर्च की कि ये मंगवाते कहाँ से, फिर पता चला कि ये थाईलैंड बैंकॉक से मंगवाते हैं। फिर मुझे ऑनलाइन बैंकॉक के कैरी बॉय डीलर का नंबर मिला, कॉल किया तो पता चला कि जो रोलर लीड है वहाँ पे सिर्फ 40,000 में मिलता है, 40,000 इंडियन करेंसी में। देन आई टुक हेल्प फ्रॉम माई कजन ब्रदर जिसके पास में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है, ही अरेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। मेरे कजन का ही एक फ्रेंड बैंकॉक में रहता है जिनको मैंने 12 जुलाई को 60,000 RTGS किए, 40,000 फॉर कैरी बॉय रोलर लीड एंड 20,000 फॉर पैकेजिंग, बैंकॉक कस्टम्स ड्यूटी एंड लेबर चार्जेस। एंड यू नो वॉट, वेरी सेम डे आफ्टर RTGS विद इन 14 hours अपना प्रोडक्ट मुंबई पहुंच चुका था। बट फन फैक्ट इज, प्रोडक्ट तो 14 घंटे में मुंबई पहुंच गया था पर मुंबई कस्टम्स ड्यूटी ने 2 हफ्ते लिए यानी 25 जुलाई कस्टम्स चार्जेस लगे 9,500 रुपए। फिर मैंने मुंबई से नागपुर गति कुरियर में मंगाया, गति कुरियर वालों ने 2,500 रुपए लिए। फाइनली अपना प्रोडक्ट यानी कैरी बॉय का रोलर लीड अपने घर पे 28 जुलाई को पहुंचा। फिर मैंने इंस्टॉलेशन के लिए मेरे फ्रेंड राघव को फोन लगाया जिसका नागपुर में कार कस्टम शॉप है R5 कस्टम्स के नाम से, उसने इंस्टॉलेशन के लिए मेरी पूरी हेल्प की। इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगा 2,000 रुपए। रेदर देन वेस्टिंग मनी ऑन प्रोडक्ट्स विदाउट रिसर्चिंग, ऐसा है जैसे बिना मैप के जंगल में खो जाना। जस्ट इमेजिन, बस थोड़े से रिसर्च से मैंने पूरे 50,000 बचाए। कैरी बॉय रोलर लीड मुझे पड़ा 74,000 में विद इम्पोर्टिंग इंस्टॉलेशन एवरीथिंग। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और नीचे जो बाजू में वो जो बेल आइकन है उसको याद से बजाने का, ठीक है। एंड इसके बाद में हिमाचल जा रहा हूँ ऑफ रोड ड्राइव पे और SJ कैम से मैं पूरा रिकॉर्ड करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग रोड ट्रिप डायरीज़।